खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही। उन्नाव मॉडल बिहार शेखपुर बाजार के पास बीते दिन हुई चोरी में उन्नाव सदर पुलिस नाकाम। आपको बता दें कि मामला उन्नाव के मॉडल बिहार शेखपुर बाजार का है, जहां पर भोला कबाब के व्यापारी अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर 26 तारीख को सब परिवार अपनी ससुराल सीतापुर विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। वहीं चोरों ने सोने घर को बनाया अपना शिकार, नकदी सहित बर्तन इलेक्ट्रॉनिक सामान को किया पार। जब इसकी सूचना अनिल गुप्ता व्यापारी को मिली तो व्यापारी ने सीतापुर से ही 112 एवं कप्तान ऑफिस में सूचना दी। चोरों को सीसीटीवी में देखा भी गया। वहीं पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर सीसीटीवी फुटेज भी कोतवाली में मुहैया कराया, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी उन्नाव सदर पुलिस के हाथ खाली रहे। वहीं आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी अपने व्यापारियों के साथ सदर कोतवाली पहुंचे, जहां पर कोतवाली प्रभारी से मिलकर चोरों को पकड़ने एवं खुलासा करने की मांग की और उन्होंने कहा अगर जल्द से जल्द खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, अगर खुलासा नहीं हुआ तो पूरी बाजार को बंद किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं युवा तक भारत की स्क्रीन पर, उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। आपका कहां से आए? मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी। आज आप सदर कोतवाली आए हैं, क्या मामला है? आज हमारे बाजार गांधीनगर बाजार अध्यक्ष जी, हमारे अनिल गुप्ता जी हैं। 15 से 20 दिन पहले इनके घर में लाखों की चोरी हुई थी। सीसी फुटेज में भी उन चोरों का हुलिया और चेहरे आए हुए हैं, लेकिन अब तक जो है पुलिस यही कह रही है कि हम उनके नज़दीक पहुँच गए हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद भी अभी तक कोई खुलासा न किया गया। इसी का विरोध करते हुए आज मैं पुनः कोतवाली प्रभारी से मिलकर जल्द से जल्द घटना का खुलासा किए जाने की मांग की और ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर जल्द से जल्द खुलासा न किया गया तो व्यापारी आंदोलित होगा और हमें पूरे बाजार को बंद करने का मजबूर होना पड़ेगा। कप्तान साहब से मिले अब? कप्तान साहब को भी इसके पहले एप्लीकेशन और सूचना दी जा चुकी है, आज मैंने प्रभारी से पुनः मिला है। अगर इस जल्द से जल्द न किया गया तो एक बार पुनः कप्तान साहब से मिलकर उन्हें अवगत कराया जाएगा और उसके बाद अगर खुलासा न किया तो व्यापारी आंदोलित। कितने की चोरी थी लमसम? चोरी तो लगभग 3 लाख की थी, काफ़ी माल बच गया। एक कमरे का दरवाज़ा न टूट पाने की वजह से, बड़ा हादसा होने से, बड़ी चोरी होने से बच गई थी, लेकिन चोरी का खुलासा किया जाना हमारी मांग है। वो चाहे चोरी छोटी हो या बड़ी हो,